तो गाइस ये अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है जो अपने गाड़ी के साइड के मिरर आपने देखे होंगे होते हैं तो साइड साइड व्यू मिरर, उसका मैंने कवर निकाला हुआ है और इस कवर के में अंदर मैं ना इंडिकेटर लगाऊंगा, बेसिकली लाइट लगाऊंगा। ये एलईडी स्ट्रिप में यूज़ कर रहा हूँ, ये इसको कॉब एलईडी स्ट्रिप बोलते हैं। कॉन्स्टेंट लाइन बनी होती है ये, तो जब ये जलेगी तो जैसे रेगुलर रहती है ना कि डॉट डॉट बने आते हैं, वो नहीं आएगा, ये कांस्टेंट लाइन दिखेगी आपको। व्हाइट कलर की स्ट्रिप है। तो ये दोनों कवर मैंने उतार लिए हैं और इसके बीच में ही एक कैविटी बना के उसके अंदर ही मैं लाइट लगाने वाला हूँ। यही पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर के हैं, तो अपनी गाड़ी का कलर जैसे कि ग्रे है, तो मैं ग्रे कलर की जिस पर रैपिंग भी कर दूंगा जिससे कि बॉडी कलर को मैच करेंगे। तो यही सब कुछ रहने वाला है। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
देख लो, मैं साइड व्यू मिरर जो है मैं इसमें लाइट लगा रहा था, तो अभी बाहर बहुत बारिश हो रखी है देखो जैसे, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर ही कर रहा हूँ। ये इसका शीशे का कवर है और इसमें मैंने इस तरह से लाइट लगाई है, येल्लो येल्लो वाइट जलती है लेकिन देखने में येल्लो है। तो इसमें इस कवर को निकाल के इसको इसमें ये होल करके इस तरह से देखो पीछे से, और जो है लाइट लगाई है मैंने और उसको रैप किया हुआ है। तो ये जेन्युइन मिरर है तो इसको खोलने में इतनी दिक्कत नहीं होती। जो मेरा दूसरी साइड का है वो आफ्टर मार्केट है और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जिराफ का कवर, तो इसमें देख सकते हो आप, ये स्क्रू के थ्रू इसको कसा जाता है, इसमें क्लिप वाला सिस्टम नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे ही नहीं खींचना, पहले ये मिरर निकालना है इसमें से। ये मिरर होता है तो इसको निकालने के बाद यहाँ पे इसमें दिख रहे होंगे स्क्रू, उसमें ऐसे और भी हैं आफ्टर मार्केट वाले में। तो ये मिरर इस पे से निकाल के और फिर स्क्रू को खोल के फिर एक कवर निकलता है। बाकी अगर स्टॉक जो OEM आते हैं जेन्युइन, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप ये शीशा भी मत निकालो, लेकिन मैं बोलूँगा निकाल के ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको वो लेवरेज मिल जाती है उसे खोलने के लिए। तो ये जेन्युइन वाले का है, इसकी क्वालिटी देखो, पूरा पीछे से कवर है और ये आफ्टर मार्केट है, तो इसका टूटने का भी चांस रहता है, तो काफ़ी केयरफुल रहना है इसको करते हो। यही था, अभी मैं इसमें इसका कवर लगाता हूँ और ये इसकी जॉयस्टिक है, इसके थ्रू कहीं मैं वायर निकाल के और उसको आगे वाले इंडिकेटर से कनेक्ट करके फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ तब तक ले। तो देख लो भाई, ऐसा लगेगा ये कुछ देखने में। अभी इसको कनेक्शन करेंगे तो चलेगा भी, और इस तरह से कनेक्ट होता है दिखने के बाद लगेगा मतलब। अब इसके पास एक ग्लास लगाना है इसका वापस, जिसको कि थोड़ा देख के मैच करके और इसमें अंदर प्रेस कर देंगे। अभी नहीं करूँगा, लगाने के बाद करूँगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है, इसकी लॉक है। ये तो जेन्युइन वाला था, आफ्टर मार्केट वाला दिखाता हूँ उसकी कितनी बकवास क्वालिटी है, ये देखो। तो इसलिए बोलते हैं कि जेन्युइन चीज़ें लगानी चाहिए। इसमें एक लॉक मेरा टूट भी गया निकालते हुए, इसके साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा लगाते वक्त, खोलते वक्त, सब चीज़ें। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका काफ़ी हवा हाई है। तो अभी मैं इसको पूरा दोनों शीशे करके फाइनल फिर दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो आप लोगों ने देखा, इस तरह से मेरा आइडिया था ये ORVM में LED लगाने का। तो अभी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और देखता हूँ आगे फ्यूचर में सिक्वेंशियल LED भी इसमें लगाऊंगा। अभी के लिए तो यही था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें कि कैसा आपको लगा ये।